हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके। तो आज छुट्टी वाला दिन है, सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और अब जो है चाय बनाऊंगी और चाय पिएंगी, उसके बाद फिर नाश्ता और फिर दोपहर का खाना। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग। ये बेकरी वाले बिस्किट्स हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बेकरी वाले बिस्किट बहुत पसंद आते हैं, इसलिए ये वाला लेकर आया आज जाके सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज मैंने पूजा पाठ किया, क्योंकि आज वीरवार वाला दिन था तो आज पूरा आसन वासन साफ़ करके पूजा पाठ करना होता है हमारे में। और ये मछलियों को दाना भी दे दिया है, क्योंकि कहते हैं मियाँ बीवी कोई भी दाना दे सकता है मछलियों को। फिर आगे मैं अपने किचन में खाना बनाने, मैंने कहा चलो नाश्ता पानी पहले बना लूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहाना धोना हो ही गया था, उसके बाद ये नाश्ता पानी, क्योंकि आज हस्बैंड भी
ये मेरी फ़िश आपको कैसी लगी, ये मेरी एक्वेरियम है प्यारी सी। तो फ्रेंड अभी हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि आका मारू के लिए कुछ लेना था हमें, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं थोड़ा लेकर आते हैं। तो अब हम ऐसी देखिए हमारे ये यहाँ का कॉलोनी है, और ये देखिए ये मैं आ गई हूँ आका मारू के लिए कुछ सामान लेने, ये शॉप पे, पेट शॉप पे। और ये जो मैं कुछ खाने का सामान ले रही हूँ आका मारू के लिए, और उसके ना ईचिंग सा हो रहा है पूरे बॉडी में, तो इसलिए उसके लिए एक दवाई भी लेनी थी। पूरे बॉडी में ईचिंग सा हो रहा है तो उसके लिए एक दवाई लेनी थी। और ये देखिए कितना सुंदर सुंदर आइटम है यहाँ पे आका मारू के लिए। तो जो भी है कुछ खाने का सामान लिया और एक दवाई लिया, और बाकी देखिए यही हमारा यहीं का ये बहुत ही फेमस दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे मछलियाँ और डॉग्स वगैरह सब कुछ ही अवेलेबल रहती है इनकी दुकान में। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी लेके निकलते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा जी चलो एक टॉय भी ले लूँ आका मारू के लिए, तो ले लुआ के हम लोग निकल गए अब अपने घर की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना था। ये देखिए रास्ते में आज देखिए गर्मी कितनी है, धूप इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। और ये देखिए ये सामने से जा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है, मतलब गाड़ी में बैठती में मतलब पूरा बॉडी जलने लग गया। मैं आज बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स घर से बाहर निकली थी, इतने दिन में निकली नहीं थी, आज निकली तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर की गर्मी कितनी है, घर के अंदर इतनी पता नहीं चल रही अभी पंखे के नीचे। और ये देखिए ये सामने देखिए ज़रा टेंट लगा हुआ है, क्योंकि आज हमारे यहाँ इलेक्शन है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितने बढ़िया तरीके से टेंट लगा रखा है इलेक्शन वोट के लिए, ये देखिए। तो बताइए आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, और ज़िंदगी में है ही क्या फ्रेंड्स, यही तो होता है। जो एक तरह से खुशहाली लाइफ होती है वो यही होती है। सुबह उठ के अपना ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसकी क्रीम लगा दिया है, ये इसको पकड़ के ताकि ये और खुजाए ना अच्छे से। और अब मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने। ये मैं काट रही हूँ परमल, ये मैं करेला फ्राई बना रही हूँ जो हमारे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, कोलकाता का बहुत ही फेमस फूड है करेला फ्राई। और ये साथ में बना रही हूँ मैं परमल और आलू की सब्ज़ी। परमल आलू की सब्ज़ी आप लोग कौन कौन खाते हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। परमल आलू की सब्ज़ी हमारे कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए दाल, करेला फ्राई और साथ में ये भात चावल जिसे हम भात बोलते हैं। और ये आका मारू का खाना अलग निकाला है, ये देखिए अब मैं सबको खाना वाना दूंगी दोपहर का। इसका तो यही है बस फ्रेंड्स कि मैं पास में रहूँ इसके, कितना पतला हो गया है फ्रेंड्स देखिए, ये वही मैं देख रही थी कितना पतला दुबला सा हो गया है। तो देखती हूँ इसके लिए भी एक दवाई ले आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको आज का पूरा दिन का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आज का मेरा दिनचर्या क्या था वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि आज है छुट्टी वाला दिन, इलेक्शन था हमारे यहाँ पे। तो आज के दिन क्या क्या मैंने किया घर में मैंने आपको सब आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आगे और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँ और मन की बात भी लाती रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मैं फिर आऊँगी आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।